Assalamualaikum everyone ji and welcome back to another video. So we are back today with a mini review, a mini vlog of this mini Pajero. So there are some myths about mini Pajero. मतलब इसको जब आप देखते हैं, मैं खुद भी जब पहली बार देखा था तो भाई हम लोग कहते हैं कि यार इससे बेहतर था यार मेहरान ले लेते. So जिस हद तक हो सका हम उसे क्लियर करेंगे, बाकी एक रिव्यू वीडियो मैंने कहा जाते जाते हो जाए. So let's start the vlog. सो सबसे पहले अगर हम आ जाएँ इसके मॉडल में एक वेरिएंट की और इसकी असम्बली की, इट्स एन इम्पोर्टेड असम्बली, इट्स ए 1994 मॉडल मिनी पजीरो VR2, जिसको आप इसमें डिफरेंट मॉडल्स आते हैं जैसे ZR है, पता नहीं क्या क्या मॉडल है. तो इट्स ए 1994 मॉडल, इट्स रजिस्टर्ड इन 2007 एंड इम्पोर्ट इन द सेम ईयर 2007. रजिस्टर एंड इम्पोर्ट इज़ ऑफ द सेम ईयर 2007. बाकी गाड़ी की अगर मैं आउटर लुक की बात करूं तो आउटर गाड़ी शावर्ड है, क्योंकि आप 1994 की किसी एक जीप की बात करें तो ये तो मैं कह नहीं सकता कि बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है. सो जो भी इस तरह के इस मॉडल्स के अंदर जीप्स आती हैं वो ऑलमोस्ट बनी हुई होती हैं. हमने जिनसे ली थी द गाय वाज फ्रॉम IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि सिविल इंटेलिजेंस होती है, उनके पास थी. तो अब हमारे पास हमारे पास आए को ज़्यादा देर नहीं हुई. गाड़ी के इंजन की बात करें तो पहले इंजन बे खोलना पड़ेगा, जो कि हमसे खुलता नहीं है क्योंकि ये भाईजान पुराने बुढ़े मॉडल हैं और इनका ये खोलना बिना बोनट बड़ा औखा काम है. आई वाज यूजिंग अ प्लास इसको खोलने के लिए, पर वो प्लास पता नहीं किधर गया है, तो अभी जाके पहले ऊपर से एक प्लास लेकर आते हैं. सो दिस इज़ हाउ वी आर गोना ओपन द इंजन. आपको करके दिखाता हूँ. ये इसको ऐसे दबाया, दिस ओके. हेडिंग टुवर्ड्स द इंजन. अगर हम इंजन की बात करें तो इट कम्स विद 660 टर्बो इंजन. इस टर्बो इंजन की खासियत ये है कि वो आजकल के शापर आल्टो वाला 660 सीसी नहीं समझना आपने सर, ये 660 सीसी इंजन वो है जो कि आपको 4x4 की भी परफॉर्मेंस दे देता है. कैसे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. इंजन की एक लुक देख लेते हैं. इंजन का इस वक्त कोई काम इस गाड़ी के अंदर नहीं है क्योंकि ओके. सो मैं 4x4 की बात कर रहा था. अगर आप बहुत ही गौर से देखें तो इसके अंदर एक ये गियर मिलता है और एक ये ऑटोमेटिक, जो उसकी ट्रांसमिशन है वो ऑटोमेटिक है, जाहिर है वो तो आपको दिखना है. सो ये एक एक्स्ट्रा, इसका क्या काम है मैं आपको वो बताता हूँ. सो ये वो एक गियर है जिससे आपने गाड़ी को न्यूट्रल पे रख के, इसमें कोई क्लच वाला सीन तो है नहीं है, न्यूट्रल पे गाड़ी रख के या आप इसको 4H पे कर दोगे, आप सेंटर पे कर दोगे, ठीक है. ये 4x4 का है और ये नीचे 2H है, नीचे 2H है, दरम्यान में 4H और 4 लोड. अब ये 4H का क्या सीन है, 4H पे जब आप करेंगे तो गाड़ी हो जाएगी 4x4, और जब आप एक ऐसी जगह पे फंस गए जब आपका 4x4 भी काम नहीं कर रहा, ये 4 लोड है जिसमें आपका गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा लोड दे के आपको निकाल सकते हैं. सो इसको आपने अगर 4x4 पे भी रखना है तो 4L पे इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि उसमें इंजन की बहुत ज़्यादा पावर यूज़ होती है. तो ये जब आप बहुत ही फंस जाए रेयर केस में, फिर ये 4L लगाया जाता है. 4H है और 2H है. हमारी बात करें तो हमने गाड़ी 2H पे रख के इसका 4x4 को नॉन एक्टिव कराया हुआ है. वो क्यों, क्योंकि जब 4H पे भी अगर कोई एक्टिव भी हो तो वो बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करती है. इसके इधर होते हैं लॉक्स, जो कि अभी हमने डिसअसेंबल कराए हुए हैं. उन लॉक्स को आप ऑन और ऑफ़ करके 4x4 को एक्टिव करते हैं. पहले इधर से एक लॉक को ऑन करना है और उधर से करना है, आपके फ्रंट दो व्हील्स को जो है ना वो ऑन कर देगा और 4H पे आप लगा सकते हैं. फ़िलहाल ये एक रियर व्हील ड्राइव है, फ्रंट व्हील्स हमने बंद कराए हुए हैं. क्यों, क्योंकि अभी हमारी एक डेली ड्रिवन गाड़ी है ये, तो हमें चाहिए इसके लिए फुल माइलेज, हमको चाहिए फुल इज्जत वाली माइलेज. तो इस वजह से इसका हमने 4x4 नॉन एक्टिवेट कराया. अब बात करते हैं हम पीछे की लेग स्पेस की, और क्या पीछे 4 बंदे 2 बंदे और बैठ सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. सो व्हेन वी ओपन दिस, ये आपकी इतनी सी मिल जाती है डिग्गी की जगह, और ये आप देख लें लेग स्पेस. इसके आने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. ये गाड़ी बेसिकली 2 बंदों के लिए, यहाँ एक ऐसी फैमिली जिसमें हैं ही बच्चे हैं, तो बच्चों का जो वैसे भी चाइल्ड लॉक्स का ख़तरा, डोर्स का ख़तरा, ये वो जो है ना वो वाली चीज़ भी ख़त्म हो जाती है और बच्चों के लिए इनफ स्पेस है। ठीक है, अब मैं आपको वो भी दिखाता हूँ किस तरह अंदर जाते हैं। और इसका हल, इस ही गाड़ी में 4 बंदे बैठाने भी हों तो वो कैसे बैठेंगे, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। ओके सो मैं अब आपको इसकी सीट आगे पीछे और अंदर जाने का तरीका बताता हूँ। ये इसके 2 बटन हैं। फर्स्ट वन, इसको आप जब दबाते हैं तो ये सीट आगे आ जाती है। सेकंड, इसको आप पुश करेंगे तो ये ड्रैग हो जाएगी और आराम से बच्चे अंदर जा सकते हैं। अगर आपने एक बड़ा, वैसे एक टीनेजर भी अभी एक अंदर आ सकता है, वो ऐसे कि वो एक पिलो ले जाए और इजी होके जो है ना इन सीट्स पे बैठ जाए। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ अगर आपने एडल्ट भी बिठाने हो तो वो आप इस गाड़ी में कैसे जुगाड़ लगा के बिठा सकते हैं, मैं आपको वो जुगाड़ बताता हूँ। ओके सो एज़ इट इज़ अ मिनी एसयूवी, तो आप एसयूवी इसके अंदर तो आप छत के ऊपर एक आपका आता है स्टैंड, जिसको जंगला कह लें जो भी। आप स्टैंड 2 किस्म के होते हैं, एक बंद करने वाला, एक ओपन। ओपन आप स्टैंड लगवाएं, ऊपर तरपाल का अरेंज कर लें ताकि आपका सामान जो है ऊपर बारिशों वाला सीन ही ख़त्म हो जाए, आपको टेंशन ना रहे। सेकेंडली, अब आपने करनी है एडल्ट की जगह, आप इसको डिसअसेंबल करवाएँ। सीट्स को आप पीछे बिल्कुल इसकी दरवाजे के साथ लगवाएँ और पीछे आपका बहुत ज़्यादा जो है ना लेग स्पेस हो जाता है और 2 बंदे इजीली आ जाते हैं। ये आपका आगे पीछे मतलब भी आप इसको ऐसे लटा सकते हैं सीट्स को। सो दिस वाज माय आइडिया। मैंने गाड़ी का एसी की आप बात ना ही करें, चिल्ड एसी है गाड़ी के अंदर। हमने इसमें खुद एंड्रॉयड पैनल इंस्टॉल करवाया एक, और बैक कैमरा इंस्टॉल कराया अभी तक, और एक ये हमने पोशिश पे खर्चा किया। उसके अलावा इंजन पे छोटा मोटा खर्चा और सस्पेंशन का। अभी गाड़ी सस्पेंशन वाइज और इंजन वाइज 10/10 कंडीशन में है, और एसी समेत। हीटर का मुझे अंदाज़ा नहीं क्योंकि वो मैंने चला के नहीं देखा। सो आप इसको एक ड्राइव पे लेके जाते हैं और उसका ड्राइव की थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं और उसके बाद व्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था इट्स अ मिनी रिव्यू। गाड़ी की एवरेज की बात करें तो इट्स गिविंग अस 12 to 14 किलोमीटर्स पर लीटर इन सिटी। वो क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसका 4x4 नॉन एक्टिवेट कराया हुआ है और इसके इंजेक्टर्स का रिसेंटली काम हुआ है। इधर इस रिव्यू को एंड करते हैं। कोई इतनी खास ना सस्पेंशन की आवाज़ है ना कुछ, और अभी शीशा खुला हुआ है। उस शीशे के खड़कने की आवाज़ जो आपको कैमरे में आ रही होगी, या बैग पे मेरा लगेज पड़ा है उसकी आवाज़ होगी। उसके अलावा ना हमारी कोई सस्पेंशन में आवाज़ है ना कोई इंजन की आवाज़ है। पिक वाइज गाड़ी की हमारी बहुत बेहतरीन है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी होंगी, जिसने अच्छी वेल मेंटेन रखी होगी उसकी गाड़ी अच्छी होगी। बाकी इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। अल्लाह हाफ़िज़।